आज की सीरीज में आपको बताऊंगा कैसे आप एक्सेल में किसी भी डाटा को आपको खोजना है, आपको फाइंड करना है, ये कहो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, और आप किसी भी डाटा को रिप्लेस करना है, जैसे चाहते हो आप इस वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो अपने एक्सेल सीट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि आप कैसे फाइंड का टेक्निक यूज़ करके आप किसी भी डाटा को आपको जनरली फाइंड करना, क्योंकि आप ब्लाइंड ब्लाइंड तो सर्च नहीं करोगे, रो बाय रो नहीं करोगे। आप अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम है तो कॉलम बाय कॉलम भी आप डाटा नहीं सर्च करोगे। अगर आपको पता है कि इस नाम का कोई पर्सन है या फिर इस डाटा को मैं इस अर्निंग को मैं देखना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट उस अर्निंग को फाइंड कर सकते हो और उस वैल्यू को जो भी चाहते हो। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको रिप्लेस भी करना है एक ही साथ बहुत सारे डाटा को, जैसे मान लो कि आपको देख सकते हो कि हॉस्पिटलिटी है, हो सकता है कि आपका ये बिजनेस टाइप कभी चेंज हो जाए और आप सोचो कि हॉस्पिटलिटी का जितने टाइप जो थे मैं उसको चाहता हूँ किसी और से, हॉस्पिटल से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो आप हॉस्पिटल से भी कैसे रिप्लेस कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं सिंपल मैंने लिख रखा है वाई मीन्स यस या फिर एन मीन्स नो, तो अगर आप चाहते हो वाई को पूरा यस लिखना तो आप वो भी कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि आप कैसे किसी भी डाटा को फाइंड कर सकते हो और किसी भी डाटा को रिप्लेस कर सकते हो अपने एक्सेल सीट में। और ये जो मैंने डाटा लिया है ये मैंने इंटरनेट से लिया है रैंडमली, तो आप चाहो तो आप इस तरह से किसी भी डाटा पे आप काम कर सकते हो। मेरे पास जो डाटा था वो मैं मैनुअली पूरा इतना डाटा टाइप नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इंटरनेट से एक डाटा मैंने सर्च कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया। आप चाहो तो इस तरह के किसी भी सैंपल को यूज़ करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अगर किसी भी एक्सेल सीट को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, तो यहाँ पे आपको दिखना है कि होम टैब पे आप हो। जनरली तो आप होम टैब पे रहते ही हो, पर आप किसी कभी फॉर्मूलाज पे या पेज लेआउट पे इस तरह टैब पे हो तो आपको आना है होम टैब पे। और जैसे आप होम टैब पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन, देख सकते हो आपको टॉप और राइट में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाना है, आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, ये दोनों का देख सकते हो आप जो भी करना आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी चाहता हूँ फाइंड करना, तो फाइंड जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ फाइंड करना, मान लो कि मैं वाई से फाइंड करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं वाई लिखूँगा उसके बाद मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो देख सकते हो कि वाई जहाँ जहाँ आएगा यहाँ पे देख सकते हो कि वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब मान लो कि मैं चेक करना चाहता हूँ जहाँ जहाँ आपको वाई आएगा वहाँ पे आ जाएगा। अब मान लो कि मैं सिर्फ फ्रेम को चेक करना चाहता हूँ, जिसका कंस्ट्रक्शन जो होगा आपका फ्रेम होगा मैं उसी को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक को सिर्फ फाइंड नेक्स्ट, देख सकते हो ये फ्रेम आ चुका है फाइंड नेक्स्ट का, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट फ्रेम फ्रेम ये कंटिन्यू फ्रेम पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेम पे आ गया, इस तरह से देख सकते हो। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो जो भी डाटा को आप चाहो उस डाटा को फाइंड कर सकते हो। उस तरह आपको रिप्लेस करना है तो फिर उसके लिए क्या करना है, आपको अभी तो आपको मैंने फाइंड कर दिखा दिया, अब इस तरह ईस्ट वेस्ट जो भी आप खोजना चाहते हो वो आप हो सकते हो। यहाँ पे मैं जाऊँगा रिप्लेस पे, अब रिप्लेस करना है किसके साथ कौन सी वैल्यू को, यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलती है, एक मिलती है फाइंड व्हाट और दूसरा रिप्लेस विथ। तो पहले आपको पता करना है कि आप कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो, तो मान लो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो ईस्ट जो है जितनी भी ईस्ट है उसको मैं चाहता हूँ वेस्ट पे चेंज करना, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो आप एक साथ भी कर सकते हो और स्टार्टिंग से कर सकते हो। यहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग पे ले आता हूँ ताकि कोई भी डाटा आपका मिस नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ ईस्ट, क्योंकि आपको ये देखो यहाँ से अगर फाइंड नेक्स्ट करोगे, पहले मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से आप डाटा को स्टार्ट करोगे तो ये नेक्स्ट को फाइंड करेगा जबकि इसको फाइंड नहीं करेगा, तो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से फाइंड करना कि जो पहले आपका है उसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा ईस्ट और उसको रिप्लेस करना है किसके साथ, तो उसको रिप्लेस करना है वेस्ट के साथ, तो मैं पहले फाइंड नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जैसे ही रिप्लेस करूँगा तो इसको रिप्लेस कर देगा, देख सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा डाटा पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस, इसको रिप्लेस, इसको रिप्लेस, और आपको सारे को जनरली क्या होगा आपको सारे को रिप्लेस करना होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो आप थोड़े बहुत भी कर सकते हो, पर आपको हो सकता है मैक्सिमम टाइम आपको रिप्लेस ऑल ही करना होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस ऑल का, जैसे आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जितने वेस्ट होंगे वो सारे वेस्ट पे चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि 367 चेंजेस इसने करा है, आप नीचे जाके देख सकते हो कहीं भी आपको ईस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वेस्ट ही मिलेगा। आप चाहते हो इसको अंडू करना तो आप अंडू भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं सारे को अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से, सारा कुछ अंडू हो गया है। अब देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैं जाता हूँ फिर से फाइनेंस सेलेक्ट पे, और अब मैं चाहूँगा कि जब ये देख रहे थे कि मैं फाइंड कर रहा था तो अब Y यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में Y फाइंड कर रहा था तो क्या हो रहा था कि Y यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे, बट जनरली मैं चाहता हूँ कि सिर्फ
इसी में वाई को फाइंड करना, या फिर इसी में नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जहाँ जहाँ कैपिटल वाई हो वहाँ वहाँ फाइंड करना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, देन आपको रिप्लेस में ऑप्शन मिलता है सेम, और आपको फाइंड में ऑप्शन मिलता है सेम। अब जैसे आप ऑप्शन को क्लिक करो तो यहाँ पर देख सकते हो और ज़्यादा ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर बता रहा है कि आपको कहाँ फाइंड करना है, एक इसी सीट में फाइंड करना है या फिर पूरे वर्क बुक में, जैसे आपका बहुत सारे सीट हो उसमें फाइंड करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो जनरली आपको सीट पर वर्क करोगे, पर आप चाहते हो पूरे वर्क बुक में फाइंड करना तो आप पूरे वर्क बुक का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे सर्च कैसे करना है, उसको रो वाइज जाना है या कॉलम वाइज जाना है। अगर आपको रो वाइज, इसमें क्या होगा, इसमें आपका स्पीड बचता है, जैसे पहले ये यहाँ पे फ्रेम नीचे नीचे जाएगा, रो वाइज जाएगा, उसके बाद एक कॉलम वाइज जाएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन मतलब रो वाइज इस तरह से जाएगा, कॉलम वाइज रहेगा, तो पहले वो पूरा कॉलम को चेक कर लेगा और फिर आपका दूसरे कॉलम पे जाएगा। तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो। जनरली आप इसको ऐसे ही रहना एज इट इज़, तभी सही रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ आपको दिखना है, ये आपको फार्मूला में दिखना है या वैल्यूज में दिखना है या कमेंट्स में दिखना है। तो आपको जनरली फार्मूला में दिखना है तो फार्मूला में दिखना है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन मिल रहा है मैच केस का। तो मैच केस क्या करता है कि आपका एकदम एग्जैक्ट मैच करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका अपर लेटर है तो अपर लेटर को ही वो मैच करेगा। तो यहाँ पे अभी मैं वाई नहीं सेलेक्ट करता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी देखोगे स्मॉल लेटर भी आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो कैपिटल है यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी कैपिटल है और स्मॉल में भी आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं। अभी इधर तो वाई है नहीं, यहाँ पे वाई है। तो मैं पहले डाटा को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है नहीं वाई। तो यहाँ पे करूँगा मैं फाइंड नेक्स्ट, और देख सकते हो ऑटोमेटिक इस डाटा पे आ रहा है, यहाँ पे वाई ढूंढ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कैपिटल वाला ही वाई दिखे, तो उसके लिए क्या करना, आपको कैपिटल यहाँ पे मैच केस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और अब देखो, अब सिर्फ जहाँ पे वाई होगा वहीं पे दिखेगा। मैं यहाँ से कर देता हूँ तो इसको स्किप कर देगा, देखना यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, इसको स्किप कर दिया है। अब ये जहाँ पे रहेगा वाई कैपिटल वहीं पे आ जाएगा। पर हो सकता है कभी कोई आप चाहोगे कि सिर्फ और सिर्फ वाई को ही मैं सर्च करना चाहता हूँ, जहाँ पे सिर्फ वाई हो मैं उसी को चेक करना चाहता हूँ और एक्स्ट्रा मैं नहीं चाहता हूँ। जैसे देख सकते हो यहाँ पे एन वाई है, पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वाई रहे जो कि आपका यहाँ पे इस दोनों रो में। तो आप वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना मैच इंटायर ऑल कंटेंट। अब जैसे आप सर्च करो तो आपका ये कोई भी डाटा नहीं आएगा जहाँ पे कैपिटल वाई होगा, वो आपका सिर्फ वाई होगा जहाँ पे वही आएगा। तो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ फाइंड नेक्स्ट पे, देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका सिंगल है वही आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपका वाई जो है वो आ रहा है। पर ऐसा होगा कभी कभी आप चाहोगे कि इस, ये आपको टाइम बचाने के लिए कि आप एक कॉलम के अंदर सर्च करना चाहोगे। तो मान लो कि जैसे आपका यहाँ पे डेट है, डेट नहीं जाते यहाँ पे लोकेशन, आपको हो सकता है कि आपका आईडी हो यहाँ पे, देख सकते हो कि आईडी है और आपको पता है कि आईडी सिर्फ इसी कॉलम में होगा, तो आपको इस सारे कॉलम को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप टाइम बचाने के लिए वैसे तो आप जनरली सर्च कर ही सकते हो, यहाँ पे पॉलिसी है और हो सकता है कि सेम वैल्यू जो आपका वो इंश्योरेंस में भी हो, पर आप चाहोगे कि सिर्फ इसी वैल्यू को चेंज करना, इसी पे काम करना, तो कभी कभी आपका ये इंश्योरेंस वैल्यू भी उसी में आ सकता है। तो इसके लिए आपको स्किप करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे आप सर्च करना चाहते हो। तो जैसे आप सर्च करना चाहते हो, मान लो इस कॉलम में मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इसी कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा, बाकी और कॉलम को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो उस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, जाके आपका देख सकते हो यहाँ पे वाई था और यहाँ पे वाई था। अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ, फिर मैं आपको ऐसे जनरली सर्च करके दिखाता हूँ। देखो इस वाले रो पे हूँ मैं और अभी मैं फाइंड करता हूँ वाई, और इस टाइम मैं मैच भी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे मैच केस सिर्फ करता हूँ ताकि फाइंड कर पाओ। देखो यहाँ पे इसको ही फाइंड कर रहा है, इसको ही फाइंड कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी रो को सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मतलब इसी कॉलम को सेलेक्ट कर देना। अब मैं कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा और अब मैं करूँगा अगर फाइंड, तो अब देखना कि सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम में फाइंड करेगा। तो कंटिन्यू वो उसी कॉलम में फाइंड कर रहा है, वो इधर दिख भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपका, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में चाहते हो या फिर एक पर्टिकुलर रोज में चेक करना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी रोज में चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइन एंड सेलेक्ट में, मान लो कि इस रो में देख सकते हो, इस रो में जो है आपका वो मैसोनरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसोनरी। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि ये है ही नहीं, जबकि ये है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी है पर इसमें नहीं है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो टाइम बचाना मतलब, तो आप इस तरह से एक पर्टिकुलर कॉलम में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जैसे नेम का कॉलम रहेगा तो आपको पता है कि नेम उसी में मिलना है। आप सारे कॉलम में नहीं चेक करो, सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और आप चेक कर लेना। पर हो सकता है कभी कभी, देखो कभी कभी क्या होगा कि आपके एक ही सीट के अंदर बहुत सारे सीट होंगे, मैंने आपको पहले बताया था। तो वहाँ पर आपको क्या करना, वहाँ पर आपको फिर सेलेक्ट करना सिर्फ और सिर्फ उसके फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर के मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी रोज को मैं सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मतलब इसी कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये आपका जो भी डाटा है वो आप उसी डाटा तक को सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी को आप रहने दे सकते हो।
देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और अब मैं सेलेक्ट करूँगा अब, और अब मैं फाइंड करूँगा यहीं पे, या फिर आप रिप्लेस करना चाहते हो रिप्लेस कर लेना। और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हिडन रहता है, यहाँ पे आप जाओ ऑप्शन में, आप यहाँ पे सेम ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे अब रिप्लेस क्या करना है, पहले फाइंड क्या करना है, तो फाइंड मान लो कि मैं चाहता हूँ 100216 को फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखना 100216, और यहाँ पे रिप्लेस करना है किसके साथ, आप कोई भी नंबर दे सकते हो, 111122 जो भी। और यहाँ पे आप एक ही साथ रिप्लेस कर, एक बार रिप्लेस करते हो या रिप्लेस ऑल कर सकते हो, मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो ऑल डन, सिर्फ एक ही चेंज हुआ यहाँ पे देख सकते हो 222। तो आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो किसी भी वैल्यू को, या फिर आप डाटा को बोल सकते हो, आप डाटा को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी सेल के वैल्यूज को या डाटा को। और यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि आपको फुल फॉर्म में कभी लिखना हो, जैसे मान लो वाई को मैं नहीं चाहता हूँ वाई रहे, सिर्फ मैं चाहता हूँ वाई की जगह यस रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जाना आपको फाइनेंस सेलेक्ट पे, फिर जाना आपको रिप्लेस पे, और यहाँ पे आपको वाई की जगह लिखना है वाई, और यहाँ पे रिप्लेस विथ क्या, तो आपको यस। और यहाँ पे जैसे मैं रिप्लेस करूँगा तो एक एक करके ये सारे को रिप्लेस करेगा, ऑप्स आप देख सकते हो ये वाई है, और यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा अगर, तो वाई से रिप्लेस हो चुका है, ये भी रिप्लेस हो चुका है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जा रहा है, फिर नेक्स्ट हो जाए, नेक्स्ट जा रहा है, वहाँ पे वाई पे यस हो गया, पर मैं ये नहीं चाहता था, ऑप्स यहाँ पे ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ इसी रोज में चेंज हो, इसी दोनों रोज में चेंज हो, बाकी रोज में नहीं चेंज हो। तो वो अभी आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले से सबको फिर से जैसा था वैसा ही कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइंड एंड सेलेक्ट पे, पहले इसको आपको सेलेक्ट करना है इस दोनों कॉलम को, तो यहाँ पे इस दोनों कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ फाइंड एंड सेलेक्ट पे, यहाँ पे जाता हूँ मैं रिफाइन एंड रिप्लेस पे, यहाँ पे जाना है आपको विद इन सीट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फार्मूला में चेंज करना, तो फार्मूला में यहाँ पे ऑप्शन ही है, यहाँ पे किसका ऑप्शन चेंज करना है, वाई को यस से, जैसे आप क्लिक करोगे रिप्लेस ऑल, तो देख सकते हो यहाँ पे ऑल डन वी मेड 505 रिप्लेसमेंट, तो ये आपका वाई जो है वो आपका यस से चेंज हो चुका है, ये आपका पूरे डाटा में चेंज हो चुका है। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एन को भी नो से रिप्लेस करना, तो मैं लिखूँ यहाँ पे एन, और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा नो से। और यहाँ पे आप चाहते हो तो आप मैच इंटायर सेल कंटिन्यू बोल सकते थे, और यहाँ पे मैच केस ही बोल सकते थे, ताकि आपका कोई भी अगर हो सकता है रैंडम यहाँ पे डाटा कुछ भी जो आपका इस कैपिटल में नहीं हो, यानी या फिर कुछ और लिखा हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ये वाले ऑप्शन में चेक कर ले तो आपका बेस्ट रहेगा, मतलब आपका जो हिसाब से जहाँ पे आपका ऑप्शन लग रहा है फिट ये वाला, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, जैसे मैं करूँगा रिप्लेस ऑल, देखना कि यहाँ पे 495 चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं, और इसको मैं कर देता हूँ बंद, और अब देखना आपको वाई कहीं पे नहीं दिखेगा या फिर एंड कहीं पे नहीं दिखेगा, ये आपका यस और नो से रिप्लेस हो चुका है। तो अब आप समझ गए हो कि कैसे आप किसी भी डाटा को फाइंड कर सकते हो एक्सेल में, आप कैसे सिर्फ एक पर्टिकुलर रोज पे या कॉलम से आप फाइंड कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो इंटायर डाटा फाइंड करना तो इंटायर डाटा पे फाइंड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे हाईलाइट करके कहीं पे इतना डाटा के अंदर चेक करना तो आप इतना डाटा को हाईलाइट करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड या रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह से आप इजिली, मतलब कभी भी फाइंड या रिप्लेस कभी करना होगा आपको एक्सेल शीट में, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो किसी भी डाटा को, आप उसको वैल्यू को चाहते हो रिप्लेस करना तो रिप्लेस भी कर सकते हो। और रिप्लेस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एक्स्ट्रा, आप बहुत सारे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, आपको जहाँ पे डाटा के हिसाब से जो वाले ऑप्शन आपको लगते हैं बेस्ट है वो ऑप्शन आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।